हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का फिजिकल टेस्ट समाप्त हुए लगभग 3 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी तक बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में आप सभी को फाइनल रिजल्ट के रिलेटेड सारी अपडेट देने वाले हैं कि बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। साथ ही आप सभी को फाइनल कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके रिलेटेड इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार दरोगा का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। उससे पहले आप सभी पोस्ट डिटेल देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप सभी अनुसूचित जाति का देख सकते हैं कि 275 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 16 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में 107 पोस्ट है, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 82 पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 441 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 275 पोस्ट है, जिसमें कि महिलाओं की बात करें तो टोटल 368 पोस्ट है, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 पोस्ट है। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल 450 पोस्ट महिलाओं के लिए है। वहीं इधर आप सभी देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर में भी टोटल 7 पोस्ट महिलाओं के लिए, यानी कि टोटल 457 पोस्ट महिलाओं के लिए है, और बाकी बचे 818 पोस्ट आपके मेल के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 818 है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 457 है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में टोटल 2061 कैंडिडेट फिजिकल पास हुए हैं। टोटल 2061 मेल कैंडिडेट फिजिकल पास हुए हैं। वहीं टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल मेल के 818 पोस्ट है। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन लगभग 2.5 का, यानी कि लगभग 5 में से 2 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मेल कैंडिडेट के लिए कंपटीशन 2.5 का, यानी कि 5 में से 2 मेल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में लगभग 1700 के आसपास कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं। वहीं टोटल फीमेल की पोस्ट की बात करें तो टोटल 457 फीमेल के पोस्ट है। अगर कंपटीशन की बात करें तो 3.71, यानी कि लगभग 4 के आसपास का कंपटीशन है, यानी कि 37 में से 10 फीमेल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मेल की तुलना में फीमेल कैंडिडेट का बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो अब चलिए फाइनल कट ऑफ देखते हैं कि मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल में अगर आपके 82 से 84 क्वेश्चन राइट हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 75 से 77, बीसी मेल की बात करें तो 81 से 83, फीमेल की बात करें तो 74 से 76, उसके बाद ईबीसी मेल की बात करें तो 78 से 80, फीमेल की बात करें तो 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 79 से 81, फीमेल की बात करें तो 73 से 75, उसके बाद एससी मेल की बात करें तो 74 से 76, एससी फीमेल की बात करें तो 63 से 65, एसटी मेल की बात करें तो 73 से 75, एसटी फीमेल की बात करें तो 64 से 66, वहीं बीसी वुमेन की बात करें तो 69 से 71। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने क्वेश्चन सही है और आप सभी ने फिजिकल पास कर लिया है तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मेल और फीमेल के कैटेगरी वाइज अगर आप सभी के इतने क्वेश्चन सही है तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब फाइनल रिजल्ट की बात करें, यानी कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो पिछले बार भी बिहार दरोगा का मेरिट लिस्ट फिजिकल समाप्त होने के लगभग 18 से 19 दिन के बाद जारी कर दिया गया था।
इस बार भी पूरा चांस है कि आपका फिजिकल समाप्त होने के 25 दिनों के अंदर बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इस सप्ताह पूरा चांस है कि आप सभी को बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह आप सभी को बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का अपडेट समाप्त करते हैं। बिहार दरोगा भर्ती के रिलेटेड जैसे को लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।